नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ अमरजीत सिंह, ते पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज पंजाब सने सात सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे मुख्यमंत्रियां नाल वर्चुअल मीटिंग दौरान कोविड-19 स्थिति की समीक्षा करनगे। संसद वल्लों जरूरी वस्तां सोध बिल 2020 पास। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विरोधी धिर ते खेतीबाड़ी बिलों संबंधी किसानों को गुमराह करन दा इल्जाम लगाया। खेतीबाड़ी मंत्रालय ने चालू सीजन दौरान चौल दालों ते तेल बीज उत्पादन विच रिकॉर्ड वाधा दर्ज होने की उम्मीद जताई। कोरोना समय विच सौणी सीजन मौके झोने की निर्विघन खरीद को यकीनी बनाने लई मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों कस्टम मिलिंग नीति 2020-21 विच कई सौदों का ऐलान। पंजाब के तीन सरकारी मेडिकल कॉलेज कोवैक्सीन के तीजे पड़ा के परीक्षण का हिस्सा बनेंगे। पंजाब विच कोविड केसों की कुल गिणती 1 लाख तो पार हुई। बीते दिन 1498 नवे केसों की पुष्टि और 66 मरीजों की मौत। जम्मू जिले के अखनूर सरहदी खेत्र विचों सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा विच हथियार और गोली सिक्का बरामद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज कोरोना वायरस तो ज़्यादा प्रभावित सात सूबों के केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों नाल वीडियो कॉन्फ्रेंस राही उच्च पदरी मीटिंग दौरान स्थिति की समीक्षा करेंगे। जिक्रयोग है कि देश में कोरोना वायरस के कुल एक्टिव केसों में 63% केस इन सात सूबों के केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद ने, जिन्हें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब आते हैं। हुण तक कोविड-19 की पुष्टि वाले कुल केसों में 65.5% केस इन सूबों में ही रिपोर्ट हुए हैं और कोरोना नाल कुल मौतों में 77% मौत इन सात सूबों में हुई। पंजाब और दिल्ली में पिछले कुछ समय तो कोरोना की पुष्टि वाले मामलों में तेज़ वाधा दर्ज किया गया। महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली में कोरोना मौत दर 2% तो वध रिकॉर्ड की गई है। केंद्र सरकार देश में कोरोना विरुद्ध लड़ाई सूबे नाल रल के असरदार ढंग नाल लड़ रही है। केंद्र सरकार सूबियां नूं सेहत संभाल सहूलतों नूं वधाउण ते मैडिकल मूल ढांचा स्थापित करन विच समर्थन दिंदी है। केंद्र वल्लों सूबियां विच कोविड ते काबू पाउण, निगरानी, टैसटिंग ते पॉजिटिव मामलों के कुशल डाक्टरी प्रबंध लई समय समय ते सूबियां अते केंद्र शासित प्रदेशों नूं टीमां भेजियां गईआं ने। संसद ने जरूरी वस्तां सोध बिल 2020 पास कर दिता। राज्यसभा ने इस बिल नूं मंजूरी दी, जबकि लोकसभा विच पहलों ही यह बिल पास हो चुका है। इस बिल विच केंद्र सरकार नूं सिर्फ युद्ध अते सोके वर्गियां गैर साधारण परिस्थितियां विच ही कुछ खुराकी वस्तुओं की सप्लाई करन दी इजाजत दिती गई है। यह कानून इस वरे जून विच लागू जरूरी वस्तां सोध आर्डीनेंस 2020 दी थां लवेगा। सदन विच बिल ते चर्चा दा जवाब दिंदियां खपतकार मामलियां, खुराक अते जनतक सप्लाई राज मंत्री दानवे राव साहिब दादा राव ने इस बिल नूं महत्वपूर्ण दसदियां कहा कि इस नाल लोकल उत्पादन नूं प्रोत्साहन मिलेगा। चर्चा विच भाग लैंदे बीजू जनता दल दे अमर पटनायक ने कहा कि इस बिल विच कई अजिहे प्रबंध किए गए हैं जिन्हां नाल पूरी व्यवस्था नूं वधेरे स्थिर रूप दिता जा सकेगा। भाजपा दे गोपाल नारायण सिंह ने कहा कि सरकार ने किसानां दे कल्याण लई कई कदम चुके ने। इस दौरान राज्यसभा ने नैशनल फोरेंसिक साइंसिज यूनीवर्सिटी अते राष्ट्रीय रक्षा यूनीवर्सिटी स्थापित किए जाण बारे बिल भी पास किए। इन्हां तों इलावा संसद ने सूचना तकनोलॉजी सोध बिल 2020 नूं भी मंजूरी दित्ती। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विरोधी पार्टियां ते खेतीबाड़ी बिलों संबंधी किसानों नूं गुमराह करन दा इल्जाम लगाया है। लोकसभा विच बोलदिआं खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि विरोधी धिर इन्हां बिलों नूं लैके झूठा प्रचार कर रही है। उन्हां स्पष्ट किया कि इन्हां बिलों के कानून बनन तों बाद फसल के घट्टो घट समर्थन मुल जां सरकार वल्लों फसल की खरीद प्रक्रिया प्रभावित नहीं होवेगी। तोमर ने दस्सिया कि 6 फसलों का घट्टो घट समर्थन मुल वधाया गया है, जिस तों सरकार की MSP प्रति वचनबद्धता प्रगट हुंदी है। तोमर ने कहा कि यह खेतीबाड़ी बिल खेती सैक्टर विच आधुनिक तकनीकों की वरतों को प्रफुल्लित करनगे। खेतीबाड़ी मंत्री ने दस्सिया कि पिछले 6 सालों दौरान किसानों को घट्टो घट समर्थन मुल तहत 7 लाख करोड़ की अदायगी की गई है, जिड़ी कि UPA सरकार के कार्यकाल नालों लगभग दुगनी है। स्वामीनाथन कमीशन दी सिफारिशों का जिक्र करदे खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि MSP विच वाधा ते खेती उत्पादों की खरीद लई मजबूत प्रबंध सरकार की इन सिफारिशों प्रति वचनबद्धता नूं दर्शाउंदा है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्रालय ने
चालू सीजन दौरान झोने की रिकॉर्ड 102.36 मिलियन टन पैदावार होने का अनुमान लगाया है। मंत्रालय वालों जारी पहले आगाऊ अनुमान मुताबक खुराकी अनाजों की पैदावार विच भी 1.14 मिलियन टन का वाधा होने की उम्मीद है। उन्होंने दस्सिया कि पिछले वरे खुराकी अनाज की पैदावार 143.38 मिलियन टन से जबकि इस बार वध के 144.52 मिलियन टन होने का अनुमान है। दालों के उत्पादन में पिछले वरे 7.72 मिलियन टन के मुकाबले इस बार 9.31 उत्पादन होने की उम्मीद है। अगाऊ अनुमान मुताबक गैर अनाजी कैटेगरी में तेल बीज उत्पादन में भी वाधा होने की उम्मीद जताई गई है। इस तो अलावा कपाह और गन्ने के उत्पादन में भी वाधे का अनुमान है। विरोधी पार्टियां दे कई मैंबर ने 8 मैंबर सदन की कार्रवाई तो मुअत्तल किए जाने के विरोध वजो सदन चों वाकआउट किया। इन कांग्रेस CPI-IM CPI तृणमूल कांग्रेस NCP SP शिवसेना RJD DMK TRS और आम आदमी पार्टी के मैंबर शामिल सन। राज्यसभा में विरोधी धिर के आगू गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वह उदों तक सदन की कार्रवाई का बायकाट कर जद तक मुअत्तल किए गए 8 विरोधी मैंबर बहाल नहीं किया जाता। उन्होंने भी मांग की कि सरकार एक बिल भी लियावे जिस राही ये यकीनी बनाया जाए कि कोई भी प्राइवेट खरीदार किसानों तो घट्टो घट समर्थन मुल तो घट रेट से उन्हों की जिणस ना खरीदे। राज्यसभा के 8 मैंबर बीते एतवार 2 खेती बिलों पास किए जाने समय गलत विहार सदका सदन की कार्रवाई तो मुअत्तल कर दिया गया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने बाद में विरोधी मैंबर के वर्तारे से अफसोस जताया तो कहा कि सभापति इस मामले में दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। राज्यसभा के चेयरमैन ने विरोधी पार्टियां के मैंबर अपील की कि मानसून इजलास दे रहिंदे समय लई सदन की कार्रवाई का बायकाट करन दे फैसले ते मुड़ विचार करन अते संसद विच चर्चा च शामिल होण। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बहस चर्चा ते फैसले लिए ना कि रुकावट अते शोर शराबे लिए। इस दौरान पार्लीमानी मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि विरोधी मैंबर सदन चो बाहर रहन। उन्होंने कहा कि जे मुअत्तल किए गए 8 मैंबर अपने किए अफसोस किते लई अफसोस प्रगट करते हैं तो सरकार उन्होंने सदन की कार्रवाई तो मुअत्तल किए जाने के फैसले नूं वापस लैण बारे सोच सकती है। COVID-19 दौरान आउंदे सौणी सीजन मौके झोने की निर्विघन खरीद में यकीनी बनाने लई पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कस्टम मिलिंग नीति 2020 कई सौदों का ऐलान किया जिन्हां विच मिलां दीआं थावां दा मंडी यार्डां वजों इस्तेमाल किया जाना भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस मकसद लई कस्टम मिलिंग दे क्लॉज 12J नूं हटाउण दी मंजूरी दी। इस क्लॉज दा संबंध उन्हां मिल मालकां दे नाल जो आड़तीए भी ने अते मौजूदा नियमां तहत जिन्हां नूं उस एजेंसी वाला अलाट करन दी इजाजत नहीं सी जिस लई उह आड़तीए दा काम करदे सन। एक सरकारी बुलारे ने दस्सिया कि इस कदम नाल पड़ावार खरीद यकीनी बनेगी जिस नाल कोविड महामारी दे दौर विच मंडियां विच भीड़ भड़के तों छुटकारा मिलेगा। मुख्यमंत्री वल्लों कस्टम मिलिंग नीति ते उपबंधां विच कुछ होर सौदां करन नूं वी मंजूरी दित्ती गई जिस विच बैंक गरंटी क्लास की बहाली RO की वध तो वध वंडे जाण वाले इजाजत योग गिणती अते मौजूदा मिलां दी विक्री शामिल हन। बुलारे ने दस्सिया कि बैंक गरंटी क्लास की बहाली नूं बीते वरे दे उपबंधां दी तुलना विच हरी झंडी दित्ते जाण नाल बैंकां विच जमा करवाई जाण वाली रकम की फीसद मौजूदा 10% तो घट के 5% तक आ जाएगी। इस नाल सूबे दे खजाने ते कोई वाधू भार नहीं पवेगा क्यों जो बैंक गरंटी बराबर दे पैमाने वजो काम करेगी। सोदों ही नियमां तहत मिल मालक नूं हुण अपने स्थान विखे झोने दा असल रूप विच भंडारण करन तों संबंधित एजेंसी नूं बैंक गरंटी जमा करवाउणी पवेगी जो 5000 मीट्रिक टन तों वध हद तक वंडे जाण वाले मुफ्त झोने नूं हासिल करन दी कीमत ते 5% दे बराबर होवेगी। पंजाब दे 3 सरकारी मैडिकल कॉलेज कोविड वैक्सीन दे 3 पड़ा दे परीक्षणां दा हिस्सा बणनगे। चंडीगढ़ विच कोविड महामारी की स्थिति संबंधी समीक्षा मीटिंग दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दस्सिया कि भारत बायोटेक लिमिटेड वालों भारतीय मैडिकल खोज परिषद नाल मिलकर तैयार किए कोवैक्सीन के 3 गेड़ के ट्रायल 15 अक्तूबर तो शुरू होंगे। मीटिंग मगरों जारी सरकारी बयान मुताबक पटियाला अमृतसर और फरीदकोट के सरकारी मैडिकल कॉलेज इन परीक्षणों का हिस्सा बनेंगे। समीक्षा मीटिंग दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मैडिकल सिख्या और खोज विभाग को ट्रायलों दौरान सारिया सावधानियों की सख्ती पालना करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोवैक्सीन के ट्रायलों में शामिल होने वाले वलंटियर की सहमति लाजमी किया जाए। बयान मुताबक मुख्यमंत्री वालों सहमति जानकारी ना समझ लोगों इन ट्रायल का हिस्सा ना बनाए जाने यकीनी बनाने के निर्देश भी दिए गए। बयान मुताबक 3 गेड़ के मनुखी ट्रायलों में हरेक तंदुरुस्त वालंटियर गैर क्रियाशील वायरस के 2 टीके लगाए जाएंगे। पंजाब विच 1498 नवे कोविड केसां दी पुष्टि नाल कुल गिणती 1,00,000 नूं पार कर गई है। सेहत महकमे वालों जारी मीडिया बुलेटिन मुताबक बीते दिन 66 मरीजों की मौत हुई जिस नाल मरण वालों की गिणती 2,926 तक पहुँच गई है।
बीते दिन जलंधर 11, लुधियाना अमृतसर पटियाला 9-9, गुरदासपुर 6, बठिंडा फिरोजपुर रूपनगर 3-3 मरीजों की महामारी नाल जान गवाई। अमृतसर सब तो वध 257 नवे कोविड केसों की पुष्टि हुई है, जबकि मोहाली 227, पटियाला 127, लुधियाना 115, गुरदासपुर 93 ते कपूरथला 92 नवे केस मिले ने। महकमे मुताबिक कल 1718 मरीजों को सेहतयाब होने मगरों हस्पताल तो छुट्टी दी गई। सूबे हुण तक 77,127 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं अते 21,288 इलाज अधीन ने। मीडिया बुलेटिन मुताबिक 65 गंभीर मरीजों को वेंटीलेटर पर रखे गए। पंजाब विच कल तक 16,27,821 जांच नमूने लए जा चुके ने। रक्षा ते खोज संगठन DRDO ने तेज़ रफ्तार वाले मनुख रहित टारगेट ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। DRDO वालों दी जानकारी मुताबिक ओडिशा के बालासोर विचली टैसट रेंज विखे अभ्यास का परीक्षण किया गया। उन्होंने दस्सिया कि इस परीक्षण दौरान अभ्यास ड्रोन निर्धारित मापदंडा ते खरा उतरिया। इस दौरान DRDO वालों दो परीक्षण उड़ाना दौरान इसकी मार्ग समर्था भी परख्या गया। इस एयर व्हीकल नूं संगठन की एरोनॉटिकल विकास इकाई वालों डिजाइन ते विकसित किया गया है। DRDO मुताबक इस एयर व्हीकल विच गैस नाल चलण वाला छोटा टरबाइन इंजन ते डबल बूस्टर फिट किया गया है। इस तो अलावा इस विच नैविगेशन सिस्टम की भी वरतों की गई है, जिस नाल इस एयर व्हीकल नूं कंप्यूटर की मदद नाल कंट्रोल किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खोज विकास संगठन की इस उपलब्धि ते प्रोजेक्ट नाल जुड़े हरेक मैंबर नूं वधाईयां दित्तियां। उन्होंने ट्वीट करदिआं कहा कि अभ्यास के परीक्षण विच सफल होकर DRDO ने एक होर मील पत्थर स्थापित किया है। भारत अते आस्ट्रेलिया विचाले दो दिन समुद्री मशकां अज तो हिंद महासागर विच शुरू हो रही ने। भारतीय नौसेना के बुलारे ने नवी दिल्ली विच जानकारी दिंदिआं दस्सिया कि इन्हां मशकां दौरान दोहां मुल्कां दे जवान वख-वख समुद्री कार्रवाइयां एंटी एयरक्राफ्ट ड्रिल अते हैलीकाप्टर ऑपरेशनां विच भाग लैणगे। भारत वल्लों नौसेना बेड़े सियादरी अते कारमुक मशकां विच भाग लैणगे, जबकि आस्ट्रेलिया का जंगी बेड़ा होबार्ट इन्हां मशकां विच भाग लेगा। इन्हां समुद्री मशकां दा मकसद दोहां देशां दीआं नौसेना विचाले आपसी तालमेल समझ बूझ अते अभ्यासी कार्रवाई नूं मजबूत करना है। चीन दे नाल सरहदी तनाव दे चलदिआं हिंद महासागर विच आस्ट्रेलिया नाल हो रहीआं इह समुद्री मशकां रणनीतिक तौर ते बहुत अहम मनियां जा रहीआं ने। इस तों इलावा इह समुद्री मशकां भारत अते आस्ट्रेलिया विचाले रक्षा संबंधां दे वधेरे मजबूत करन वल इक अहम कदम साबित होणगीआं। पिछले 4 महीनों दौरान भारतीय नौसेना की यह चौथी समुद्री मशक है। इस तो पहला भारत अमरीका जापान अते रूस के नाल समुद्री मशकों में शामिल हो चुका है। सुरक्षा बलों ने जम्मू जिले के अखनूर सरहदी खेत्र विचों भारी मात्रा में हथियार अते गोली सिक्का बरामद किया है। रक्षा सूत्रों मुताबिक पाकिस्तान की तरफों आए एक ड्रोन वालों यह हथियार अखनूर कस्बे तो 12 किलोमीटर दूर सोहल खड्ड नेड़े सुटे गए। उन्होंने दस्सिया कि बरामद किए गए हथियारों में 2 AK-47 राइफलां, 3 मैगजीन, 1 पिस्तौल वड्डी गिणती विच जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। सूत्रों मुताबिक सरहद राही हथियारों की तस्करी ना होने की सूरत विच अतवादियों वालों ड्रोन राही हथियार भारत विच भेजने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दस्सिया कि जून महीने तो लैके हुण तक अतवादियों वालों अजिहीआं 5 कार्रवाइयों नूं अंजाम देने की कोशिश की गई, जिन्हां नूं सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। इस तो पहला पाकिस्तानी ड्रोनों वालों राजौरी अते पुलवामा जिले के कई इलाकों विच ड्रोन राही अतवादियों तक हथियार पहुँचाने की कोशिश की गई है। बुलेटिन के आखिर विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज पंजाब सने 7 सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे मुख्यमंत्रियों नाल वर्चुअल मीटिंग दौरान कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करनगे। संसद वल्लों जरूरी वस्तां सोध बिल 2020 पास। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विरोधी धिर से खेतीबाड़ी बिलों संबंधी किसानों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। खेतीबाड़ी मंत्रालय ने चालू सीजन दौरान चौल दालों और तेल बीज उत्पादन में रिकॉर्ड वाधा दर्ज होने की उम्मीद जताई। कोरोना समय में सौनी सीजन मौके झोने की निर्विघन खरीद को यकीनी बनाने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों कस्टम मिलिंग नीति 2021 कई सोधों का ऐलान। पंजाब के 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज कोवैक्सीन के 3जे पड़ा के परीक्षण का हिस्सा बनेंगे। पंजाब कोविड केसों की कुल गिणती 1 लाख तो पार। बीते दिन 1498 नवे केसों की पुष्टि और 66 मरीजों की मौत।
जम्मू जिले के अखनूर सरहदी खेत्र विचों सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोली सिक्का बरामद किया। इस खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। नमस्कार।